दीदी एकदम प्रो गिफ्ट है, पहन लो, स्टेंसिल जैसे यूज कर लो या फिर कुकी कटर बना लो। प्रो नहीं ब्रो, असली प्रो तो प्रो इन्वेस्टिंग है जो दे सकता है फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का एडवांटेज। इंट्रोड्यूसिंग प्रो इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द बाउंड्री। आज हमारे साथ बातचीत करने वाली है यास्तिका भाटिया। तो सबसे पहले वेलकम यास्तिका, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे? मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, एक और बड़ा इवेंट। आप ICC ODI वर्ल्ड कप का हिस्सा रह चुकी है, कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा रह चुकी है, अब एक और नया टूर्नामेंट आपके लिए, एक और नया चैलेंज आ सकता है। आपकी क्या एक्साइटमेंट है साउथ अफ्रीका में ये बड़ा इवेंट खेलने के लिए? जी काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप है और जो साउथ अफ्रीका में भी मैं फर्स्ट टाइम खेलने जा रही हूँ, तो एक नया एक्सपीरियंस होगा ऑल टुगेदर। तो उसके लिए भी मैं काफी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड बस चाहूंगी कि मैं जब ज्यादा से ज्यादा रन करूँ टीम के लिए और मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूट करूँ टीम की विक्ट्री के लिए। डेफिनेटली। और टीम किस तरीके से शेप अप हो रही है यास्तिका? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमने देखा कि जो सेकेंड मैच थी, आई गेस आप लोग या हम में से कोई भी वो मैच कभी नहीं भूल सकते, बट काफी कम्पिटिटिव मैचेस हुई थ्रू आउट द सीरीज। तो उसके बाद क्या बातचीत हुई टीम में, किस तरीके से आपको ये टीम शेप अप होते हुए नजर आ रही है इस बड़ी टूर्नामेंट के लिए? टीम में तो बहुत पॉजिटिव बात थी, हर मैच के बाद वी वर एनालाइजिंग कि हमने क्या सही किया और क्या चीज हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और बड़े इवेंट को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग सब चीज़ कर रहे थे। हमारा जो भी प्लानिंग था बैटिंग में, बॉलिंग में, तो हम उसी चीज़ को ध्यान रख के कर रहे थे। और बस यही बात है कि सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहे और ग्राउंड पे तो सब ट्रेनिंग करते ही, लेकिन सबसे बड़ा प्रिपरेशन जो है हमारा मेंटल है, तो वही है कि हम सब मेंटली प्रिपेयर रहे इस बड़े इवेंट के लिए और ये चैलेंज के लिए जो हमारे सामने आने वाला है। तो बस यही सबके अंदर बात है और सब बहुत ही एक्साइटेड है और हमारी टीम भी काफ़ी अच्छी है इस बार। हमारे पास काफ़ी ऑलराउंडर्स हैं, पेस बॉलर्स हैं जो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस के लिए यूजफुल है, तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और अगर हम इस टीम के कप्तान की बात करें वहाँ पे यास्तिका, हरमनप्रीत कौर के लिए पिछला जो साल रहा है वो एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन दोनों ही बेहतरीन रहा है। तो जब आप लोग ये मैचेस खेलने के लिए उतरते हो ग्राउंड पे, तो क्या मैसेज होता है हरमनप्रीत कौर की तरफ से? क्या वो उनमें उन कैप्टन में से एक है जो कुछ लंबा चौड़ा मैसेज देती है, या शी लाइक्स टू कीप इट शॉर्ट? क्या बातचीत होती है जब आप लोग फील्ड पे उतरने वाली होते हो? जी बहुत सिंपल बातचीत होती है, जो भी करना है वो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज मिलता है क्योंकि पहले से वो बहुत अच्छा प्रिपेयर करके रहते हैं, तो पहले ही वो बता देते हैं प्लेयर्स को कि उनको क्या चाहिए, एक्सपेक्ट करते हैं वो उनसे। तो जब हम जा रहे होते हैं तब वो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करते हमारे दिमाग में, वो सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देते हैं और सब प्लेयर्स को ऑलरेडी मालूम होता है, तो वही बस जाके एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपकी पर्सनली आपके T20 गेम के बारे में बात करें यास्तिका, तो आपने बहुत एक बड़ा कमबैक किया है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में करके फिर आपने टीम में कमबैक किया है अपना। और आपने जब ये कहा भी था हमसे जब लास्ट टाइम बातचीत की थी कि डेब्यू करने से ज़्यादा टफ होता है कमबैक करना, और आपने वो बेहतरीन तरीके से किया भी, तो आपके जो ये एक्सपीरियंस रहा है डेब्यू से लेके आपके कमबैक तक का, आपने क्या सीखा उससे कि जो भी ये T20 में सक्सेसफुल होने के लिए जो रेसिपी है आपके हिसाब से वो क्या है? देखिए ऐसे कोई रेसिपी नहीं है, सब प्लेयर्स का डिफरेंट रहता है। तो मेरे लिए एक चीज़ है कि मैं डॉट बॉल्स कम कर दिए मैंने, तो मैं जो अपने सिंगल्स पे काफ़ी वर्क किया है, मैंने अपने फिटनेस पे काफ़ी वर्क किया है, तो वो चीज़ मेरे गेम पे इफेक्ट होती है। और मेहनत तो है ही कि जो मेहनत करेगा उसको कभी ना कभी फल मिलेगा ही, वो कहीं ना कहीं नहीं जाएगा, और जो भगवान ने आपके लिए रखा हुआ है वो भी कहीं नहीं कोई नहीं लेके जा सकता आपसे। तो बस वही है कि सिंसियरली मेहनत करो और गेम के ऊपर रिफ्लेक्ट करो कि आपके गेम में क्या चीज़ कमी कर रही है, क्या और बेहतर होना चाहिए, और माइंडसेट में क्या बेहतर होना है, डेली इंप्रूव करते रहो क्योंकि गेम वुमेन्स क्रिकेट स्पेशली कैसे है कि अभी बहुत इवॉल्व हो गया है,
एवरी डे चेंज आ रहे हैं और एवरी डे न्यू चैलेंज, न्यू सुपरस्टार्स आ रहे हैं जो गेम को डिफरेंट तरीके से खेल रहे हैं, तो हमको भी अपने गेम को इवॉल्व करना है। हम लोग वही तरीके से खेलते रहेंगे तो हम लोग वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे, तो हमें भी इवॉल्व होते रहना है, अपने गेम प्लान को चेंज करते रहना है। तो वही सेल्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए अपने आप पे कि क्या आपको इम्प्रूव करना है उस चीज़ में। तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स है जो सब दिमाग में रख सकते हैं, एक तो T20 में सिंगल्स का, और सेकेंड है कि आपका रनिंग बिटवीन बेहतरीन होना चाहिए तो उससे आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, और थर्ड यही है कि माइंडसेट जो है आप कूल एंड काम रखिए प्रेशर सिचुएशन में, और सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए कि आपके गेम में क्या चीज़ है जो आपको कमी दे रही है, उस चीज़ पे आप वर्क करिए। तो ऐसा कहते हैं हमेशा कि द फर्स्ट टाइम्स दे नेवर कम अगेन, तो आपका फर्स्ट टाइम खेलने के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, और ये भी आप साउथ अफ्रीका में खेलने वाले हो, तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे तीनों उस कंट्रीज में खेलते समय आपने एक्सपीरियंस की थी और वो अलग अलग थी, ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाहोगे और आप वही लुक फॉरवर्ड कर रहे हो फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में खेलने के लिए भी? हाँ, तो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है जब फर्स्ट टाइम आप खेलते हो। तो मैं जब फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में खेली थी, मैं अंडर 23 या इमर्जिंग जब हम खेले थे तब खेली थी मैं ऑस्ट्रेलिया में, तो तब भी मुझे काफ़ी डिफिकल्टी हुई थी ऑस्ट्रेलियन पिचेस में अडेप्ट करने के लिए, रन बनाने के लिए, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में भी काफ़ी डिफिकल्ट हुआ था। लेकिन जब सेकेंड टाइम मैं वहाँ गई थी तो मेरे लिए बहुत, या मैंने जब दूसरी वो खेली थी टूर्नामेंट, तो उसमें मैं अडेप्ट हो चुकी थी, तो वो टाइम स्पैन जो लगता है अडॉप्ट होने में वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा था। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि अब इस बार जब मैं साउथ अफ्रीका जाऊँ, तो हम लोग काफ़ी जल्दी जा रहे हैं, शायद एक हफ्ता पहले ही हम जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, तो मैं चाहूँगी कि वो 7 दिन में मैं मैक्सिमम बैटिंग करके लूँ वो पिचेस में, ताकि मुझे पता चले कि क्या मुझे अपने गेम में दिमाग में रखना है खेलने में, और इतना टाइम ना लगे मुझे अडॉप्ट करने में, तो मैं फर्स्ट मैच से फर्स्ट बॉल से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहूँ। तो आपने भी मुझे काफ़ी अच्छा रिमाइंड किया है कि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो पहले ऐसे हो चुका है, अब याद रखना है यास्तिका कि इस बार ना हो ऐसा कुछ। हम इस स्पोर्ट पे काम कर रहे हैं, क्रिकेट पे काम कर रहे हैं, पर आप ही वो लोग हैं जो प्लेयर्स हैं जो आगे जाके रिप्रेजेंट करके कंट्री को, हमको और इंस्पायर करते हैं हमारा काम करने के लिए, बिकॉज हम कंप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि आप देश को रिप्रेजेंट करते हो, और देश को रिप्रेजेंट करने वाले किसी का इंटरव्यू लेना ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सो हमारा भी जो मोटिवेटिंग फैक्टर है लाइफ में वो आप ही लोग हो जो हमें अमेजिंग परफॉर्मेंसेस करके टूर की बात कर रहे थे हम, तो जैसे कि आप ओवरसीज के टूर्स पे होते हो, हम देखते हैं कि आपके काफ़ी फोटोज आते हैं रेणुका के साथ होते हैं, मेघना के साथ होते हैं, और ऑफ द फील्ड टीम किस तरीके से एंजॉय करती है इन टूर्स को, बिकॉज आई गेस वो भी काफ़ी इफेक्ट करता होगा आपके ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस पे, टू जस्ट कीप यू इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड। हाँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप स्विच ऑफ करके ऑफ द फील्ड कुछ एक्टिविटी करें, क्योंकि जो गेम में आपका ध्यान होता है वो सिर्फ क्रिकेट पे होता है, तो आपका माइंड कभी कभार स्टेल हो सकता है, तो आपको उसको रिफ्रेश होके वापस लाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक एंड यू नो गो आउट एंड एंजॉय द फ्रेश एयर एंड एंजॉय द सनशाइन। सो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि जब भी हमको रेस्ट डे मिलता है, और जब हमको कहा जाता है कि आज आपको कुछ क्रिकेटिंग एक्टिविटी नहीं करनी, तो हम ट्राई करते हैं कि एक टाउन को एक्सप्लोर करें और फोटोज़ खींचे बहुत सारी। आजकल सोशल मीडिया में बहुत इंडियन फैंस है, तो हम चाहते हैं कि उनको भी थोड़ा अपडेट मिल जाए हमारे बारे में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन बस बहुत मज़ा आता है हमको। जी, वही है, और हम वही चाहते हैं कि बस एंजॉय करें हमारा जो भी टाइम है बाहर, और हमारे टीममेट्स के साथ हम एंजॉय करते हैं, और बाहर जो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हम वो करते हैं, और बस उसी के बारे में आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, और ये जो रेस्ट डे की प्लानिंग होती है, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक है जो पहले से ही प्लान करके रखता है और आपको बोल देता है कि आज के दिन में ये सब करना है यास्तिका? कौन है वो ड्रेसिंग रूम में जो ये सब करता है? वो इंसान मैं ही हूँ, मैं ही प्लान करती हूँ सब बाहर का। तो हमारे ग्रुप में मैं ही डालती हूँ कि भाई चलो आज यहाँ चलते हैं, तो सब लोग रेडी होके आ जाते हैं, बस सबका हेडेक मैं ही लेती हूँ।
काफी रिसर्च वर्क भी होता होगा जब आप ओवरसीज स्टोर पे जाते हो, पहले से ढूंढ के रखना प्लेसेस और रेस्टोरेंट्स वगैरह विजिट करने के लिए? वो तो हम लोग वहीं जाके देख लेते हैं और गूगल बाबा है हमारे साथ, उसी पे हम सर्च करके बस चले जाते हैं। काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके यास्तिका, थैंक यू सो मच आपका टाइम हमें देने के लिए, और आने वाले सारे मैच के लिए, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी आपको ऑल द वेरी बेस्ट। और हम यही चाहेंगे कि टीम इंडिया किसी तरह अपना फॉर्म अच्छा बरकरार करके वो ट्रॉफी घर ले आए। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच।